मंच पर उपस्थित मेटल फिनिशर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी एसोसिएशन के जितने साथी हैं, उन सभी लोगों को आपका इतना अच्छा आपने एग्जीबिशन लगाई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो दिन और रात काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो मेक इन इंडिया का आपने सिंबल लगाया है, जल्दी मेक इन इंडिया में आप सफल हो। और तालियां कम बजी इसका मतलब, मैं कई बार इसका कारण दूसरा नहीं, ताली बजवाने के लिए नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको लग रहा है कि शक है उसके ऊपर। वो क्या रहा है आजकल ना, कुछ लोगों को डर लगने लगा है। डर किस बात से है कि जो मल्टीनेशनल्स, जैसे FDI को बढ़ावा दिया गया, तो दिल्ली में तो हमने मना कर दिया जी। दिल्ली में तो हमने FDI को जो 51% और ये था, हमने वापस ले लिया था। हमें समझ नहीं आया, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, मेरे को लगता है जिस चीज़ों में हमें टेक्नोलॉजी नहीं है, जो हमें आता नहीं है, समझाने आ जाओ तो समझ में आता है। अगर कोई हमें दुकानदारी करनी सिखाएगा तो बड़ा मुश्किल काम है। हम लोगों ने हज़ारों साल से दुकानदारी की, बिज़नेस करने में तो हिंदुस्तानी सबसे आगे थे। अगर कोई हमें बताता है कि दुकान कैसे चलाते हैं जी, और वो चीज़ें समझ से बाहर हैं हमारी, तो मुझे लगता है सोच समझ के करना चाहिए था ये चीज़ ना, कि FDI को जितना प्रमोट किया गया कि भाई हर चीज़ में 100% FDI कर दी, 51% भी 100% ही होता है। 51% इज़ नथिंग, कि भाई आप 49 एंड 51 मीन्स कि 51 का मतलब 100% हो जाता है। तो थोड़ा सा समझना चाहिए था, आप लोगों से ज़्यादा पूछताछ करनी चाहिए थी कि आप लोग क्या मन क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग बड़े खुश भी हैं वैसे, उनको लगता है कि हमारा बिज़नेस बढ़ गया, पर थोड़े दिनों की बात है। अभी कहते हैं ना, एक छोटी मछली फिर बड़ी मछली, बड़ी मछली के बाद शार्क आने वाली है। अभी जब वो शार्क्स आएंगी तो थोड़ा पता लगे। एक ना कंपनी वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 2 साल तक स्टडी की, फॉरेन कंपनी थी, 2 साल तक स्टडी की, उसके बाद हिंदुस्तान से वापस चले गए। कहते हम हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते। कहते भी क्यों काम नहीं कर सकते? कहते हैं हमारा सिस्टम हमें समझ नहीं आया। जब इन्होंने FDI के लिए अप्रूवल की, उसके बाद मेरे पास आए थे, कहते अब हमें समझ में आ रहा है, हम वापस आ रहे हैं। तो पहले 100 करोड़ रुपए खर्च करके 2 साल उन्होंने स्टडी की और वापस चले गए। अब कहते हैं अब हमें सिस्टम समझ में आ रहा है, हम हिंदुस्तान में आ जाएंगे, GST और लागू हो जाने दो, तब आएंगे। मतलब ये देखिए, 2-3 साल के बाद वो बड़े बड़े प्लेयर्स भी हिंदुस्तान में वापस आएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है, कितने भी बड़े प्लेयर्स आ जाएं, हमें उनसे बड़े प्लेयर बन के दिखाने की जरूरत है। हम लोग जो कंपटीशन से पहले मैदान छोड़ के भाग जाते हैं ना, उस आदत से बचने की जरूरत है। हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं उनसे, ऐसा है नहीं। आप देखिएगा बाहर के इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, दे आर द बेस्ट। किसी भी कंट्री में चले जाइएगा, वहाँ पे सबसे अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? इसका मतलब उनको अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, बस और कोई फर्क नहीं है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि अच्छे से अच्छा माहौल दीजिएगा अपने देश की नई जनरेशन को, कि यहीं पर रहें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल माहौल भी थोड़ा ठीक सा मिल जाए। बाहर जाने का कारण दूसरा भी होता है, कई बार अच्छा माहौल नहीं होता ना, पॉलिटिकल माहौल अच्छा नहीं होता, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कई सारे बच्चों से मिले, कहते हिंदुस्तान के अंदर सड़क पे रोक के जब मुझसे 100 रुपये लिए गए, उसने निश्चय कर लिया देश छोड़ के चला जाऊँगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा आगे ना हो लोगों के साथ। सिस्टम्स को हम चेंज करना चाहते हैं इस देश की। मुझे तो लगता है व्यापारियों की जो बस एक ही समस्या है सरकार से, वो तो ये कि सरकार कम काम करे तो अच्छा है। सरकार जब ज़्यादा काम करती है तो व्यापारियों को तंग करती है। तो मैं भी कहता हूँ कि मैं कम काम करता, अभी पूछ रहे थे मेरे से बेहतर कि आपके पास 7 मंत्रालय कैसे संभालते हो। कहते मैं कुछ करता नहीं इसलिए संभाल लेता हूँ, अगर मैं ज़्यादा कुछ करूँगा तो तंग ही करेंगे। मैंने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बता देता हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं उनसे दिन और रात एक ही बात समझाता हूँ, भाई साहब इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला कब लगेगा? कहते सर आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जब लोगों का यहाँ पे आना बंद हो जाए उस दिन मैं सबसे खुशी हूँ। आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, किसी ने दफ्तर देखा है उसका? किसी को दफ्तर का एड्रेस भी नहीं पता, देखने की तो बातें छोड़ दो। मैंने ट्रांसपोर्ट दफ्तर का क्यों देखना पड़ता है सबको आगे? मैंने आप पूरे के पूरे दफ्तर को ऑनलाइन कर दो, जिसको जो भी काम है कुछ भी करना है
100% ऑनलाइन कर दो। अब वो बहाना क्या मारते हैं, सर ऑनलाइन तो कर देंगे पर लोगों को पढ़े लिखे कम है। मैंने उनकी चिंता मत करो, वो अपनी चिंता खुद कर लेंगे, तुम अपनी चिंता कर लो। असली कारण क्या है कि वो ऑनलाइन में भी रिश्वत नहीं मिलती, बाकी सब कुछ काम हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ों को 100% ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि हम दफ्तर को ताला लगा देंगे, अब दफ्तर में जा ही नहीं पाएंगे। अब जब ह्यूमन इंटरेक्शन होगा ही नहीं, आपको फीस ऑनलाइन ही जमा करानी है, और जिसको अगर ऑनलाइन काम करना नहीं आता उसके लिए हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं। हमने कहा आप एक फ़ोन कीजिएगा, कॉल सेंटर में एक फ़ोन कीजिएगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का अपना टाइम फिक्स कीजिएगा, एक आदमी आपके घर पर आएगा, उसके बाद टैबलेट होगा, आपका आधार नंबर बायोमेट्रिक लेगा और आपका जो भी काम करना है घर पे करेगा, 50 रुपये तो सर्विस चार्ज दे दीजिए। अब इससे तो और भी ज़्यादा डर गए, सर अभी ताली बजाने वाली बात नहीं आई, इतनी आसानी से होने नहीं देंगे इसको। लगभग 6 महीने से हम जूझ रहे हैं ये चीज़ें हो जाएं, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने क्या दिक्कत आ जाएगी, मतलब उसमें ऐसी ऐसी कमियां निकाल के लाते हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें निकाल के लाते हैं कि जैसे देश मतलब कुछ भूचाल आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम करके दिखाएंगे इन चीज़ों को, पीछे हटेंगे नहीं। ऑनलाइन की जो चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ इनको तो हम बहुत जल्दी ही करने वाले हैं, मे बी विद इन ए मंथ, 1 महीने में ही हम कर देंगे। काफ़ी सारी चीज़ों मतलब सर्विसेज मान लो 50 हैं तो 50 एक साथ नहीं हो पाएंगी, कुछ से स्टार्ट कर देंगे कि भाई उसमें ऑनलाइन ही है, बाकी कुछ नहीं होगा। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक एग्जांपल और देता हूँ कि हम काम मैं कैसे काम नहीं करता, तो हम लोगों को ये कहा गया कि आप अस्पतालों के अंदर तरह तरह के टेस्ट होने चाहिए। हमने कोशिश करी, मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले साल कि भाई जितनी भी दवाइयाँ हैं सारे टेस्ट सब कुछ मुफ्त कर दो, हमने कर दिए। अब MRI CT स्कैन वगैरह में मुफ्त होने के बाद, पहले तो सरकारी अस्पताल में पैसे लगते थे, हमने मुफ्त कर दिया तो 3 साल की वेटिंग लिस्ट हो गई। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, जब 3 साल की वेटिंग लिस्ट हो गई तो मुफ्त करने का फायदा नहीं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो हमने क्या किया है, आप लोगों ने शायद अभी तक पता हो ना पता हो, दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल जितने भी रेफरल हैं, MRI CT स्कैन PET स्कैन 2000 रुपये के टेस्ट, 5000 के, 10000 के, 20000 के, 25000 के कोई भी टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए कर दिया, प्राइवेट से करा लीजिए आप जाके, सब मुझे काम ही नहीं करना, तो काम तो आप लोगों ने करना है ना। अब मैं क्यों नई नई मशीनें लगाऊंगा, तो काम करूंगा, नई मशीनें लगाऊंगा, उनको मैनेज करूंगा, मैनेजमेंट तो सरकार को आती नहीं है, बस सरकार को मैनेजमेंट का कुछ नहीं पता, मैनेजमेंट किसे कहते हैं बाकी सब कुछ पता है। अभी भाई साहब पूछे सरकार चलती कैसे है, अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो आप ऐसे चल के सीधे सीधे जाएंगे ना, सरकार में ऐसा नहीं होता, सरकार चलती है ऐसे 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 गोल 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 गोल, ए से बी पहुंचने में कम से कम 10 गुना समय लगता है, 10 गुना एफर्ट्स लगते हैं, और पहुंच जाए तो आप लकी हैं, वरना ऐसे चलती रहती है बस, जहां से चले वहीं वहीं घूमती रहेगी, 10 साल के बाद वहीं मिलेंगे आपको। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप छोड़ ही दो ना भाई प्राइवेट, क्या लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट लोग दुश्मन है, जो इस मेज के इस तरह बैठे हैं वो कुछ अलग तरह के लोग हैं, मेज के इस तरह बैठे हैं कुछ अलग हैं, वो एक देश के लोग हैं वो दूसरे देश के लोग हैं, मैं समझता सब एक है। मुझे ऐसी एक चीज़ नहीं पता, इस कमरे के अंदर एक चीज़ को ढूंढ के बता दे वो सरकार ने बनाई, ये माइक, ये चश्मा, ये कपड़े, कोई भी चीज़ देख लीजिए सब प्राइवेट बना रहे, दिक्कत क्या है। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है सिस्टम्स बनाने के बाद बाकी चीज़ों में नहीं घुसने की जरूरत है, सिस्टम्स को ठीक बना देना चाहिए, एनेबलर का काम करना चाहिए, कानून बनाने चाहिए और बाकी चीज़ों से दूर हट जाना चाहिए। होता क्या है सर, वो सारी पावर अपने पास लेना चाहते हैं, और उसका भी कारण है कि जहाँ पर पावर होगी तो कुछ मेवा भी मिलेगी, तो असली मकसद वही है कि उन्हें कुछ कमाने की ज़रूरत है, हमें तो कुछ कमाना नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं भैया हम काम भी नहीं करना चाहते, काम भी आप ही कर लो, हम तो सिस्टम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वो खुद काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ क्योंकि बिजनेस फैमिली से हूँ इसलिए मुझे पता है, गेहूँ की एक बोरी आती है ना, अगर 1000 रुपये की बोरी खरीदी 1000 में बेच देते हैं, कहते कमाया कैसे, कहते बोरी बच गई, और सरकार में कैसे होता है,
सर उसमें 36 तरह के वो खर्चे जोड़ देते हैं, 36 तरह के खर्चे जोड़ देते हैं। वो कहते हैं 1000 का खरीदा तो 3000 में बेचेंगे, तो 3000 में कुछ मिलेगा नहीं। तो सरकार को बिजनेस से मुझे लगता है अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, बिजनेस बिजनेसमैन को करने देना चाहिए, वो भी हमारे ही लोग हैं। सिर्फ सिस्टम ठीक बनाने की जरूरत है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, न्याय की जरूरत है, अन्याय करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर सरकारें अन्याय के अंदर सहयोगी बनने का कोशिश करती हैं, गलत कामों के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है, हमारे को सिर्फ डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे लोगों को ये आदत समझ में आ रही है। पहले कोई बोलता नहीं था, हम तो सरेआम बोलते थे, क्योंकि अब अंदर से भी, पहले हम बाहर से ही बोलते थे, कहते तुम्हें क्या पता अंदर क्या होता है, ये कहते थे ना। सरकार में कितनी मुश्किलें होती हैं ये बताते थे ना, सरकार चलाना कितना मुश्किल काम होता है। अब अंदर जाके भी देख लिया, सर कोई मुश्किल काम नहीं था, घर के किचन चलाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, सरकार चलाना ज़्यादा आसान होता है। मैडम हंस रही है, मैडम को पता है घर चलाना ज़्यादा मुश्किल है, अगर नीयत साफ है तो सरकार चलाना ज़्यादा आसान है। होता क्या है कि नीयत तो ख़राब है, फिर कहते हैं सरकार नहीं चल रही। सभी सरकारों की एक शिकायत है कॉमन, कहते पैसा नहीं है, और हम कहते पैसा खर्च नहीं होता। हमारी सरकार को 2 साल हो गए, हमने किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहा पैसे की वजह से नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि करने नहीं दिया किसी और ने, पर पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुका। भाई दिल्ली के अंदर देखो, हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पॉली क्लिनिक बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, हॉस्पिटल को सारे एयर कंडीशन कर रहे हैं, सारी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, 8000 क्लासरूम बना दिए, पैसे की वजह से काम नहीं रुक रहा। बाकी सब कहते पैसा नहीं है, तो बोले था पैसा, पैसे की कमी भी नहीं है, बस सराफत से काम करते रहे, ईमानदारी से काम करते, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा और व्यापारियों को काम करने दें। अभी तक क्या होता था कि लोग क्या कहते हैं, हाँ मैंने सरकार में ही देखा है व्यापारी को क्या कहते हैं, जैसे व्यापारी कोई क्रिमिनल है, पर सबसे पहले उनको ऐसा लगता है कोई क्रिमिनल आ गया सामने से, कोई चोर है जैसे, अरे मैंने भाई साहब उनके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, उनका तो तुम्हारे बिना काम चल जाएगा। अगर आज व्यापारी को, इंडस्ट्रीज को कह दिया जाए सरकार चाहिए नहीं चाहिए, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं इन्होंने तो सब कुछ रोक रखा हमारा, और सरकार का एक दिन भी काम ना चले, टैक्स कहाँ से लाएंगे? अरे जिनसे सारा टैक्स लेते हो, 100% टैक्स लेते हो, उन्हीं को गालियाँ देते हो। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो दे ही रहे हैं, जो भी दे सकते नहीं दे सकते, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट की जरूरत है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप काफ़ी सारे लोग दिल्ली से नहीं हैं, जो दिल्ली के लोग उनको पता भी होगा, हमारी सरकार व्यापारियों की रेस्पेक्ट करती है। एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा, पिछली बारी बजट में हमसे गलती हो गई, हमने कपड़े के ऊपर टैक्स कम किया, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह सब पे कम किया टैक्स, वो गलती में क्या हुआ कि जो प्लेन क्लोथ होता उस पर टैक्स लग गया, गलती हो गई भाई। जैसे 12% से कम करके 5% किया तो जिस आइटम पे नहीं था उस पे भी लग गया। अब हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में एक ही दिन में, तो जितने भी व्यापारी थे अगले दिन सुबह सीएम साहब के घर पहुंच गए, सीएम साहब उनसे मिले, कहते अच्छा बताइए क्या बात है। फिर 2 बजे, मतलब सुबह मिले 2 बजे, उन्होंने असेंबली में माफ़ी मांगी कि हाँ जी मुझसे गलती हुई और टैक्स वापस लिया। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली भी हमसे गलती हुई थी। तो हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी की रेस्पेक्ट करते हैं, और हम ये मानते हैं भाई जो अन्नदाता है उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा। तो सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करनी चाहिए, और मुझे लगता है देश जल्दी तरक्की करेगा, काफ़ी तेज़ी से तरक्की करेगा, और आप लोगों के भरोसे ही तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।